नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं न्यू मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। राहुल गांधी ने शेयर मार्केट को लेकर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा, चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और वित्त मंत्री ने शेयर मार्केट पर टिप्पणी की। गृह मंत्री ने कहा था कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, चुनाव से पहले शेयर खरीद लीजिए। पीएम मोदी ने भी कहा था कि शेयर मार्केट रिकॉर्ड तक पहुंचेगा और इसके बाद मीडिया ने झूठे एग्जिट पोल शेयर किए। बीजेपी का अपना सर्वे उन्हें 220 सीटें दिला रहा था। अब राहुल गांधी ने इस मामले के जेपीसी जांच की भी मांग की है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आज एक बार फिर हुआ गैंग वार, जहां गोगी गैंग के हितेश पर टिल्लू गैंग के गौरव और गुरिंदर ने सुआ और चाकू से हमला कर दिया। ये हमला ओपीडी में हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिली चुनावी सफलता को लेकर पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाम किया। अब उन्होंने अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी की भी सराहना की है और इसे लेकर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश में मिली शिकस्त के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया है। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में बुलाए गए हैं, जहां इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व विस्तार से चर्चा करेगा और चुनावी नतीजे की गहराई से समीक्षा करेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बार बार दावा किया जा रहा है कि मोदी 3.0 सरकार बनेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बार मोदी 1/3 सरकार बनेगी। साथ ही इस दौरान जयराम रमेश ने आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली बात भी उठाई। दिल्ली के जल संकट को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, जहां अदालत ने हिमाचल प्रदेश को तत्काल प्रभाव से 127 क्यूसेक पानी हरियाणा को देने को कहा, जो पानी दिल्ली में छोड़ा जाएगा, जिससे प्यासे दिल्ली को राहत मिल सके। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर में 2 संदिग्ध तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ से अधिक की नकदी हुई बरामद। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, सरकार ने खो दिया है जनता का विश्वास, छोड़ देनी चाहिए सत्ता। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट भंग होने के बाद एनडीए गठबंधन की नई सरकार बनाने के लिए बातचीत का दौर शुरू हो गया है, जहां खबर है कि 18वीं लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी जल्द ही दावा पेश कर सकते हैं। वहीं एनडीए के नेता कैबिनेट में पद के लिए अपनी अपनी डिमांड हाईकमान के आगे रख रहे हैं। वहीं खबर है कि पीएम मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 9 जून को शाम 6 बजे हो सकता है। दिल्ली में नई सरकार बनने से पहले बिहार बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया, जहां दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा कि 2025 में बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत से बदसलूकी का मामला सामने आया है। सांसद की ओर से दी गई शिकायत में सामने आया है कि वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी, उन्हें फ्लाइट से दिल्ली आना था, लेकिन सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब वह बोर्डिंग के लिए जा रही थी, इसी दौरान एलसीटी कुलविंदर कौर सीआईएसएफ यूनिट चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने उन्हें थप्पड़ मारा। आरोपी सीआईएसएफ कर्मी को हिरासत में ले लिया गया है। अयोध्या से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हर पहलुओं पर फेल रही है, इनका कोई मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा मंदिर मस्जिद हिंदू पाकिस्तान, जबकि देश का मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी था। अभी अयोध्या से इनके हार की शुरुआत हुई है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा। मुंबई के चेंबूर इलाके में हुआ बड़ा हादसा, सिलेंडर विस्फोट होने के कारण घर ढहा, 9 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे की घोषणा कर दी गई है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि बांकुरा जिले के किंगसुक पात्रा ने इस परीक्षा में टॉप किया है। वही जिन उम्मीदवारों ने इस साल परीक्षा दी है, वे अपना परिणाम wbjeeb.nic.in.wbjje पर जाकर चेक कर सकते हैं।
मुंबई में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और बीएमसी अधिकारियों पर हुआ पथराव, 5 कर्मी हुए घायल। गुजरात के सारंगपुर स्थित बीएपीएस स्वामी नारायण संस्कृत महाविद्यालय को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय के विकास के लिए होगा उपयोगी। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार का हुआ एक्सीडेंट, जानकारी के मुताबिक उनकी गाड़ी नीलगाय से टकरा गई। इस घटना में टीकाराम जूली के हाथ में फ्रैक्चर आई है, उन्हें दौसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शरीर में आयरन की कमी होने के कारण रेड ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं, इसके कारण मांसपेशियों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और थकान महसूस होती रहती है। इससे बचने के लिए डाइट में आयरन से भरपूर फूड्स को शामिल करें, जैसे पालक, ब्रोकली, शकरकंद, ऑर्गन मीट आदि। उत्तर प्रदेश में 4000 जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार कल तक आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें जीतने के बाद भाजपा बूथ स्तरीय समीक्षा करेगी, ताकि भविष्य में मार्जिन प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर पर भी बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ता और विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के लोहरदगा में एसपी आवास के ठीक गेट के सामने एक जवान ने एसआई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में कोहराम मच गया है। एसआई धर्मेंद्र सिंह की हत्या करने के बाद उक्त जवान वहां अपनी इंसास राइफल से अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। हमलावर जवान का नाम अनंत सिंह मुंडा बताया गया है और कहा जा रहा है कि वह कुछ दिनों से तनाव में था। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 70 लाख हितग्राहियों की होगी जांच, अपात्र पाए जाने पर राशि की वसूली भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। विदिशा से भाजपा के विजयी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं, उनके पास 100 सीटें भी नहीं है, वे 99 पर ऑल आउट हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश होने की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हाजी हनीफा जान की जीत के साथ ही लद्दाख की राजनीति में केंद्र शासित प्रदेश को राज्य के दर्जे की मांग समेत स्थानीय मुद्दे फिर गर्माने लगे हैं। इस बात की आवाज मजबूती से उठने लगी है कि लद्दाख को राज्य बनाया जाए या इसे फिर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दे। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।